बॉलीवुड में अपने डांस मूव और हॉट अदाओं के लिए मशहूर एक्ट्रेस नोरा फतेही यूं तो अक्सर इंटरनेट पर छाई रहती हैं। लेकिन नोरा का नया एयरपोर्ट लुक देख फैंस भी अपने होश खो बैठे हैं। आज तड़के नोरा को मुंबई एयरपोर्ट पर हॉट लुक में स्पॉट किया गया। ब्लैक लेदर पैंट और ब्लैक टॉप पहने नोरा काफी ग्लैमरस लग रही थी। अपने इस लुक को नोरा ने येलो हैंडबैग के साथ कंप्लीट किया। हाय मैम, मस्त, आप कैसे हो? काफी दिनों से चले गए थे मैम, 15 दिन हो गया। 10 दिन के लिए। आजकल तुम रिपोर्ट नहीं मारते हो? नहीं मारते। मिस किया आपने मुझे? सच में बहुत। पूरा आपका दिन क्या हो गया? 14 अगस्त को आप गए थे? 14 अगस्त को गए थे? यस। आज क्या है? आज 27 हो गया। टू मच टाइम। यस मैम। नोरा का यह एयरपोर्ट लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। हर लुक में नोरा काफी खूबसूरत लगती हैं। उनके फैशन सेंस को फैंस काफी पसंद करते हैं। नोरा फतेही इन दिनों अपनी फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में नोरा के अभिनय की काफी तारीफ हो रही है। फिल्म में नोरा के अलावा अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और शरद केलकर लीड रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म में नोरा के डांस नंबर को भी काफी पसंद किया गया है। तनिष्क बागची द्वारा रचित सॉन्ग जालिमा कोका कोला को श्रेया घोषाल ने अपनी शानदार आवाज में गाया है। इस गाने को कोरियोग्राफ गणेश आचार्य ने किया है। बता दें कि भूज द प्राइड ऑफ इंडिया सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म है जिसकी कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर बेस्ड है। फिल्म में अजय देवगन तत्कालीन भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज विजय कार्णिक के किरदार में है। INS रिपोर्ट।